देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर द दलित एंड आदिवासी वुमेन कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को अंबाझरी टेकरे स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के पास आंदोलन किया। उन्होंने हाथरस का मुद्दा उठाते हुए महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर आक्रोश व्यक्त किया है और न्याय की मांग की है। 2019 की रिपोर्ट बताती है कि देश में एक दिन में 87 नए रेप के मामले सामने आते हैं, अन्य मामलों की तो गणना ही नहीं है। और जब बात न्याय की आती है तो केवल यह कुछ समय तक चैनल की टीआरपी बढ़ाने और राजनीति को गर्म करने तक सीमित है। कुछ समय बाद यह मामले केवल न्यायालय में तारीखों में उलझ जाते हैं। न्याय मिला नहीं मिला इसका भी कोई पता नहीं होता। हाथरस में हुए दुराचार पर हर कोई आक्रोश व्यक्त कर रहा है और यूपी सरकार से इस पर सख्ती की मांग भी कर रहा है, लेकिन प्रशासन जैसे सोया हुआ हो। जब मामला किसी महिला पर अन्याय का आता है तो यह जातिवाद में भी तब्दील हो जाता है। आरोपी को सजा उसकी जात देख कर दी जाती है। न्याय में हो रही इन सभी बातों से देरी पर ज्वाइंट एक्शन फोरम फॉर दलित एंड आदिवासी वुमन की कार्यकर्ताओं ने सरकार से महिलाओं की सुरक्षा की मांग की है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा तब ही है जब महिला देश में सुरक्षित है। आज जो ये आंदोलन है, ये हमारा पीसफुल आंदोलन है। हाल ही में जो हाथरस में हुई घटना घटी है, उस पर से हमने ये अपना निषेध व्यक्त कर रहे हैं। केवल एक ही घटना नहीं, अनेक घटनाएं होती रहती है जिसको जो लोगों के सामने नहीं आती है। तो ये जो अन्याय हो रहा है, ज़्यादातर दलित महिलाएं आदिवासी महिलाओं पर ही ये अन्याय होता है और वो अपना हक नहीं जानती, अपना न्याय लेना नहीं जानती। और ये पितृसत्ताक पद्धति जो है उसके अनुसार का जो शासन चल रहा है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये ब्राह्मणवादी विचार और पितृसत्ताक विचारों के अनुसार जो देश को चलाया जा रहा है उसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा भारत संवैधानिक तरीके से वो अपना चले, इसलिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो दलित महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं वो सारी लड़कियों को, औरतों को न्याय मिले और जो कुकृत्य करने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हमारी मांग है। तो हाथरस से और हाथरस के बाहर भी जो लड़कियों के साथ अन्याय होता है, अत्याचार होता है, उसके खिलाफ हम निषेध कर रहे हैं ताकि ऐसी घटनाएं चर्चा पर होती है और पॉलिटिक्स में आती है, पॉलिटिक्स में मसालेदार खबरें बन जाती है, लेकिन उसके विरोध में कुछ काम नहीं होता है। लड़कियों के खिलाफ जो आवाज़ें उठानी चाहिए वो दबी जाती है। इसीलिए ये निषेध करने के लिए हमने ये आंदोलन चलाया है ताकि हमको भी न्याय मिले, लड़कियों को आज़ादी से जीने का मौका मिले और उस लड़की को जिसने कुछ देखा भी नहीं, बिना बात के उसको बवाल होकर उसकी हत्या की गई, उसकी जीप काटी गई और बेचारी को मार दिया गया, ऐसे में उसको न्याय मिले। इसीलिए देश की सुरक्षा यानी लड़कियों की सुरक्षा और लड़कियों की सुरक्षा मतलब देश की सुरक्षा, यही हम लोग चाहते हैं। अम्बेडकर के पुतले के सामने हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग द हाथरस रेप। यहाँ पे सभी यही चाहते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा हो, एंड ये मैं कोई न्यू बात नहीं कहूँगी, बट मेजरली मुझे ये कहना है कि ये इस तरह के जो रेप इंसिडेंट हो रहे हैं, अभी जब ये हाथरस का रेप का इंसिडेंट जो हुआ है उसके खिलाफ जो हाथरस गांव में इतनी ज़्यादा पुलिस है, मीडिया है, क्या नहीं है, इन सब के बीच में वहाँ पे एक और रेप हो जाता है 6 साल की बच्ची के साथ। वो बच्ची का रेप होते ही वो बच्ची वहाँ मर गई है। तो अगर किसी एक समुदाय के अगेंस्ट अगर किसी में इतनी ज़्यादा हिम्मत भरी जा रही है कि तुम करो, तुम्हें जो करना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो करना है करो, तुम लोगों को सपोर्ट हम करेंगे, सवर्ण समाज आएगा, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, किसी को भी ये ध्यान में नहीं आ रहा है कि रेप हुआ है दलित लड़की का, जिनके और आरोपी जो हैं वो है ठाकुर और बिश्त जो ये हैं सवर्ण समाज जो हैं वहाँ के आरोपी हैं, और पकड़े कौन गए हैं, मुसलमान पकड़े गए हैं।
आरोपी दलित पकड़े गए मुसलमान सॉरी विक्टिम दलित पकड़े गए मुसलमान और आरोपी जो हैं उन्हें उन पे अभी तक जो है कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। ये जानबूझ के दलितों को डराने के लिए एक माहौल बनाया जा रहा है कि तुम लोग के साथ हम जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं और सवर्णों को कुछ नहीं होगा, ये उस लिए किया जा रहा है। बात होती ये है ना कि जिस बर्बरता से वहाँ पे वो किया गया है, ऐसा नहीं है कि कोई रेप अगर यूपी में हुआ है तो नागपुर में या महाराष्ट्र में या साउथ में कहीं कोई रेप नहीं हुआ होगा, ये तो प्रवृत्ति है इंसान की। बट जिस बर्बरता से उस लड़की के साथ रेप हुआ, उसकी जीभ काटी गई, उसका पेल्विस तोड़ा गया, उसका हिप बोन तोड़ा गया, इतनी बुरी तरह से नहीं हुआ होगा। और अगर नागपुर में भी ऐसा कुछ हुआ है, इतना बुरा होगा तभी महिला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आई एम सो सॉरी, अगर नागपुर में भी ऐसा कुछ हुआ है, न्यूज़ बाहर नहीं आई होगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि हम सिलेक्टिव लोगों के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सी अगेन, अगर आप लोग ये पढ़ें, इट्स अबाउट दलित महिलाओं के लिए न्याय, दलित महिलाओं के लिए न्याय। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली दलित लेडीज़, इट्स मेजरली अभी करेंटली इट इज़ अबाउट दलित लेडीज़, बट ऐसे लेडीज़ ही ये सब सह रही हैं। आप ये नहीं सुनेंगे कभी कि किसी एक लड़के के साथ 20, 22 या 13, 14 साल के लड़के के साथ रेप हुआ, क्यों, हो नहीं सकता है, सोडोमाइज होते हैं आजकल, बट वो कभी नहीं आएगा। रेप आज होता है लड़कियों के ऊपर क्योंकि उन्हें अपनी क्या कहते हैं, उन्हें अपना होल्ड दिखाना है कि अभी भी राज जो है वो हमारा है, तुम लोग कितना भी चल लो कंधे से कंधा मिला के और जाओ ऑफिस वगैरह वगैरह, राज हमारा है, दैट इज इट। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दीपिका धनेश्वर, NVCN न्यूज़ नागपुर।